इटखोरी थाना क्षेत्र के कृषि फार्म स्थित मनोज पासवान के होटल में एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने बीते रात हत्या कर दी। युवक के गला व पीठ में धारदार हथियार के साथ किया गया हमला। घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हत्या की जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने युवक की पहचान जोरी विशिष्ट नगर थाना क्षेत्र निवासी सालिग्राम उपाध्याय के रूप में आधार कार्ड से किया है। मौके पर उपस्थित इंस्पेक्टर शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि झोपड़पट्टी नुमा होटल के बीते रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। घटनास्थल से पुलिस ने एक जोड़े चप्पल एवं स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। सर बताया जाए क्या मामला, क्या है मामला? हत्या से संबंधित मामला प्रतीत हो रहा है। सुबह सूचना मिली कि जो है एक व्यक्ति का, एक मनोज पासवान का झोपड़पट्टी होटल है इटखोरी चौक में, उसी के अंदर में लगता है कि हत्या हुआ है। उसी पर हम लोग आए हैं, जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। नाम सालिग्राम उपाध्याय नाम है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला? नगर थाना क्षेत्र का। जो मेरा नाम ममता देवी हुआ। आपका घर कहाँ हुआ? घर हुआ मेरा ऊंचा मोड़, काशी नगर के बगल। जो मृतक है वो आपके कौन है? मेरा नंदोसी लगते हैं। कल वो आखिरी बार आपसे कब मिले थे ये बताएं? 5 बजे आल थे। अपने ससुराल आए हुए? हाँ, अपने ससुराल आए थे। कितने देर के लिए वहाँ था? 10 मिनट रुके, एक गिलास पानी पी के फिर निकल गए वहाँ से। और उनके साथ कोई था? कोई नहीं था। कोई नहीं था। उनके घर में कौन कौन है? 2 लड़की है, एक लड़का है बस। और सैया दीदी के काम करती है मेरा ननद, मतलब उनके वाइफ। हाँ, उनका चंदन कुमार। आप कौन लगते हैं मृतक का? मृतक मेरा भैया का साला है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रशासन इसे जल्दी जल्दी कार्रवाई किया जाए इस पे। और कारण है, प्रशासन के सामने, नाक के सामने ही कांड हुआ है। इसमें प्रशासन ही दोषी ज्यादा मानेंगे हम लोग नहीं, जब तक पकड़ा जाएगा ये लोग को। कहे थाना वहाँ जहाँ काम हुआ वहाँ 11 बजे रात तक पुलिस रहती है, 12 बजे तक। तो 12 बजे बाद कब कांड हुआ नहीं, वो प्रशासन ही जिम्मा लेगा। और सरकार ही निकम्मा है। सबसे बड़ा चीज़ सरकार की, जब से सरकार बनी सबसे मर्डर होते जा रहा है सब जगह। कारण इसीलिए प्रशासन से आते हैं, कोई खोज पता अभी तक भी कम से कम कांड हुआ है, करीब कब हुआ पता नहीं। हम लोग को पता चला सुबह मॉर्निंग में फोन हुआ तो पता चला हाँ ऐसा कांड हुआ है। लेकिन प्रशासन को तो बताना चाहिए कम से कम कैसे हुआ, नहीं हुआ। थाना वहाँ प्रशासन रहता है कि नहीं वहाँ पर? प्रशासन से क्या चाहिए? प्रशासन चाहिए उसे जल्दी जल्दी करवाए, हो पकड़ा जाए और उसे करवाने करवाया जाए।